हम जहाँ पे हम काम करते हैं उस इलाके का लड़का मतलब बिग बॉस में विनर हो गया, तो कल बहुत खुशी के बावजूद था हमारे लिए, हमारे सबके लिए। लोग अच्छा सेलिब्रेट कर रहे थे, अच्छा खुशी का माहौल था। इस कंट्रोल करने में थोड़ा हमकी गड़बड़ हो गई, लेकिन अच्छा तरह से क्राउड कंट्रोल में हो गया और क्राउड अच्छी तरह से आगे निकल गया। हेलो, वेलकम टू दिल्ली मसाला, मैं हूँ फैजान। मेरे साथ में है इस वक्त देशमुख जी, जिन्होंने पूरा क्राउड आज यहाँ पर हैंडल किया है, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा सर कितना मुश्किल रहा ये सब आपके लिए। हेलो, जय हिंद। हमारे जो डोंगरी के जो ये बुलवर फारूक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको बिग बॉस में उनका अच्छा ही मिला है। उनकी जो अभी ये सेलिब्रेशन चल रही है, उसमें सेलिब्रेशन में इतने लोगों ने सपोर्ट किया है, लोगों ने इतने माहौल लोगों इतना क्राउड किया है, जल्लोस किया है कि उस क्राउड थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेड जैसा ज़्यादा लोग मौजूद थे। लोग अच्छा सेलिब्रेट कर रहे थे, अच्छा खुशी का माहौल था। इस कंट्रोल करने में थोड़ा हमकी गड़बड़ हो गई, लेकिन अच्छा तरह से क्राउड कंट्रोल में हो गया और क्राउड अच्छी तरह से आगे निकल गया। और जी, इतनी भीड़ आपने उम्मीद की थी यहाँ पे कि इस तादाद में लोग आएंगे? ऐसा उम्मीद हमने नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से सपोर्ट मिला है मुनवर को, वो बहुत खुशी का माहौल है सबके लिए, अपने डोंगरी के इलाके के लिए और बम्बई के, पूरे बम्बई के लिए बहुत अच्छा माहौल है। और ये अच्छी तरह से लोगों ने भी उनको सेलिब्रेट किया है जी। एंड लोगों ने कितना कोऑपरेट किया है आपके साथ में? अगर लोगों की अगर मैं बात कहूँ तो लोगों ने बहुत अच्छा तरह कोऑपरेट किया है। पुलिस वालों की बात उन्होंने मानी है, और अमन से शांति से उन्होंने आगे रास्ते से निकल गए हैं जी। देशमुख जी, कितना मुश्किल हो जाता है जब इस तरह का क्राउड आता है, जब इस तरह की इतनी भीड़ आती है, और मतलब सपोर्टर्स जो आते हैं किसी के भी चाहने वाले, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कलाकार हो, आप सब लोगों पे कितना प्रेशर आ जाता है? उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है हमारे ऊपर, लेकिन अगर अच्छे तरह से हैंडल किया, लोगों को अच्छे तरह से समझा दिया, तो लोग मानते हैं, लोग उसी तरह से तकरार करते हैं, बकरा का ये करते हैं, और अच्छी तरह से पुलिस को हेल्प करते हैं, पुलिस को सपोर्ट करते हैं। आपने देखा है बिग बॉस? हमने बहुत बार देखा है, कल हमने देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा कि बाबा हमारे हम जहाँ पे हम काम करते हैं उस इलाके का लड़का मतलब बिग बॉस में विनर हो गया, तो कल बहुत खुशी के बावजूद था हमारे लिए, हमारे सबके लिए। कोई जाते जाते पब्लिक को, जनता को, आपकी ऑडियंस को यहाँ पे कोई संदेश देना चाहेंगे आप, जो भी बोलना चाहें उनसे? मेरा संदेश ये है कि जैसा मुनवर फारूक ने अच्छा काम किया बिग बॉस में, वैसा सब जितने पार्टिसिपेंट है यहाँ के बाहर के, उन्होंने अच्छा तरह से अगर अच्छा काम किया तो उनको उनका भी बिग बॉस में उनका भी नाम आ सकता है, वो भी विनर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप।